माहौल नजर आया। सुबह 9 बजे से महिला पुरुष बच्चे सुबीसी हॉस्पिटल परिसर पहुंचने लगे। 10 बजे चुनरी पूजन के बाद संतों के सानिध्य और विधायक रवि जोशी की अगुवाई में जयकारों के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का विभिन्न मार्गों से मंदिर पहुंची। कोरोना काल की वजह से मां नर्मदा जयंती के अवसर पर हम प्रति वर्षानुसार तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट के द्वारा चुनरी यात्रा ले जाकर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष 8 फरवरी को हम मां नर्मदा जयंती नहीं मना पाए थे। नर्मदा जी का प्रतीक स्वरूप हमने पूजन अर्चन और दर्शन करे थे, लेकिन यह संकल्प लिया था कि कोरोना की वजह से बड़ी यात्रा निकालना संभव नहीं था, तो हमने उसके बाद जब कोरोना गाइडलाइन आई नहीं, उसके अनुसार हमने तय किया कि महाशिवरात्रि पर्व पर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाएंगे। दोनों मकसद होंगे, शिव की आराधना भी होगी और एक हमारे तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट ने संकल्प लिया कि चुनरी के साथ साथ हम लोग 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग वहाँ बनाएंगे और उनका पूजन करके उनको विसर्जित कराएंगे। इस संकल्प के साथ आज खरगोन से 10:15 बजे चुनरी यात्रा नगर से होते हुए गणेश मंदिर पर जाएगी। वहाँ से माँ नर्मदा जी नाला तावड़ी में नर्मदा जी के घाट पर जाएगी, या चुनरी का पुनः पूजन होगा, चुनरी माँ नर्मदा जी को ओढ़ाई जाएगी। तत्पश्चात दूध, गाय के दूध से नर्मदा जी का अभिषेक करके उसके बाद नर्मदा जी का पूजन करके आरती करेंगे। उसके पश्चात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पार्थिव शिवलिंग का पंडितों द्वारा पूजन करा के उनका विसर्जन करेंगे। उसके बाद पूरी जनता के लिए, सारी धर्म प्रेमी जनता के लिए भंडारी प्रसादी की व्यवस्था की गई, भंडारे की व्यवस्था की गई, भंडारे में सब लोग लाभ लेंगे। उसके बाद यात्रा का खरगोन में आगे समापन। ये उद्देश्य या कोई मनोकामना ऐसी? ये उद्देश्य निमाड़ के अंदर अच्छी बारिश हो, समय पे बारिश हो, निमाड़ प्रगति करे, मानव कल्याण के काम हम करते रहें, इस उद्देश्य के साथ इस यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष हम करते आ रहे हैं।